धौलपुर बुधवार से बारिश का दौर जिले में लगातार जारी है। लगातार हुई बारिश ने धौलपुर शहर को पानी पानी कर दिया है। शहर के प्रमुख बाजार तालाब के रूप में तब्दील हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुसने तक की नौबत आ गई है। नाले और नालियां बंद होने के कारण नगर परिषद की व्यवस्थाओं की भी पोल खुल गई है। विगत एक महीने से जिले में भीषण गर्मी का दौर देखा जा रहा था। गर्मी और उमस की वजह से लोग पसीने पसीने हो रहे थे। बुधवार से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। बादलों में लुका छुपी के बाद झमाझम बरसात का दौर शुरू हो गया। विगत तीन दिन से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। बरसात ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। शहर का हरदेव नगर, जमुना विहार तिराहा, फतेहती तौर चौराहा, दशहरा रोड, नगर परिषद मार्ग बरसाती पानी से तालाब के रूप में बदल गया। सड़कों पर घुटनों घुटनों तक पानी होने की वजह से वाहन चालकों और राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बरसात से परेशान हैं। दिहोली थाना क्षेत्र के करका खेली गांव में एक महिला का मकान पानी भरने से भरभरा कर ढह गया। गनीमत रही कि जिस वक्त मकान गिरा उस वक्त घर में कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। मकानों में घुसा है गंदा पानी। नगर परिषद की लापरवाही का नतीजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। नाले और नालियों की पूर्व में सफाई नहीं होने की वजह से बरसात में गंदा पानी लोगों के मकानों में घुस गया, जिससे लोगों को घरेलू सामान का भी नुकसान हुआ है। शहर के लोगों ने बताया कि अगर नगर परिषद प्रशासन पूरे पूर्व में नालों की सफाई करा देता तो जलभराव की नौबत नहीं आती। जलभराव से शहरवासियों में नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ रोष देखा जा रहा है। बारिश भई है, बालंग पानी भरो, बारिश के माए मतलब और चीरी और बेसे के टूट गए मकान पूरा रह सको है। और चुकती सामान चून चामर मतलब जो चीज होती है फ्रिज कूलर किसे को मतलब दबे गो फूट टूट गए। और मामे बच्चा है बस खेचे तो खड़े के ना उसे का मतलब पूरी टूट के रह सके। कब की घटना है जी? रात 10 बजे की है। पानी भरे गो घर ते वायर पिछवार और मतलब ऐसे सामान दबे पूरा मकान रह भर रात में और जो घर ते बाहर खड़े हैं भाई चामर का चुने रेखा कैसे करो मकान और पानी भरे गो पिछवाते सो दो दिन ते बारिश हो रही है सो मकान रह गया पूरो सामान बचे सामान सटा बिली चम्मच चून चावर कुछ नहीं बचा है।